बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे एंटीथीसिस, फिगर ऑफ स्पीच और ऑक्सीमरॉन। हमने पढ़ा था आम तौर पर बच्चे जो हैं वो एंटीथीसिस और ऑक्सीमरॉन में कंफ्यूज्ड होते रहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि उसमें भी एंटीथेटिकल आइडियाज़ जो है इकट्ठे लाए जाते हैं और उसमें भी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है और इसमें भी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है और अपोजिट मीनिंग के जो आइडियाज़ हैं वो इकट्ठे लाए जाते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? तो ऑक्सीमरॉन को आप समझ चुके हैं, हमने इससे पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। एंटीथीसिस ये होता है कि हमने जो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, और इसमें और उसमें एक फ़र्क जो है वो नोट कर लीजिए। पहले ज़रा एंटीथीसिस को समझ लें कि अपोजिट कैसे लाते हैं जी, ज़रा आज की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर मैं दोनों के दरमियान अहम बात जहाँ पे कंफ्यूजिंग एरिया है यानी फ़र्क भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्सिमरॉन है या ये जो है एंटीथीसिस है। देखें जी, लिखा हुआ है होप फॉर द बेस्ट, ये एक फ्रेज है सेंटेंस की, होप फॉर द बेस्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये लिखा हुआ है कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आइज ओपन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, स्पीच इज सिल्वरी, साइलेंस इज गोल्डन। अब इन सब को हमने पहले सुन रखा है और ये इतनी हमारी ज़िंदगी में ये इन है ये सेंटेंसेस कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इसमें कोई एंटीथेटिकल आइडियाज़ जो है वो इकट्ठे आए जा आ रहे हैं जी। मतलब होप फॉर द बेस्ट यहाँ पे एक आइडिया डिस्क्राइब किया जा रहा है और दूसरी फ्रेज में प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट दूसरा आइडिया यानी कि उसका जो अपोजिट आइडिया वो दिया जाता है। तो आप देखेंगे ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं एंटीथीसिस की हैं। अब एंटीथीसिस में ये होता है कि एक ही फ्रेज में एक आइडिया दिया जाता है और एक्सिमरॉन में ये किया जाता है कि एक ही फ्रेज में अपोजिट वर्ड दिए जाते हैं। मसलन जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ अ फुलिश वाइज, अब आप देखें कि ही इज़ अ फुलिश वाइज, अब आप देखें कि ये एक सेंटेंस है या एक फ्रेज है, इसमें ही हमने एक ही क्लास में एक ही फ्रेज में हमने दोनों वर्ड इकट्ठे ले आए हैं। दूसरे लफ्जों में ये एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं कि इनको हम इसको एंटोनिम कह सकते हैं, इसको हम इसका एंटोनिम कह सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक फ्रेज में एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और दूसरी फ्रेज में उसका एंटीथेटिकल आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये फ़र्क जो है ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है कि आप तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं एंटीथीसिस के उसमें समझ लें, कि ये देख लें कि हर एक में, जैसे दूसरा देख लें एग्ज़ाम्पल इसकी, कीप योर माउथ क्लोज, अपना मुंह बंद रखें, एंड योर आइज ओपन, और आंखें हमेशा खुली रखें। तो एक फ्रेज में हम एक आइडिया दे रहे हैं और उस अगली फ्रेज में बिल्कुल उसका अपोजिट आइडिया दे रहे हैं। ओवरऑल जो सेंटेंस का इफेक्ट है वो पैराडॉक्सिकल नेचर जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, वहां पे दो वर्ड ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे दो फुल फ्लेज फ्रेजेज हैं या क्लाजेज हैं वो ये काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस। यूनाइटेड वी स्टैंड, यहाँ पे एक यूनिटी का तसव्वुर दिया जा रहा है और आगे डिवीजन का तसव्वुर दिया जा रहा है, और यूनिटी और डिवीजन का तसव्वुर अलग अलग फ्रेजेस में दिया जा रहा है, और जब दोनों फ्रेजेस एक सेंटेंस के तौर पर लिए जाती हैं तो यकीन तौर पर उसका एंटीथेटिकल जो अफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है, पैराडॉक्सिकल अफेक्ट क्रिएट हो जाता है। स्पीच इज सिल्वरी, साइलेंस इज गोल्डन, कि खामोशी बहुत अच्छी बात है यानी चांदी की तरह है, लेकिन बात करना चांदी की तरह है और खामोशी जो है वो गोल्डन है, खामोशी उससे भी बढ़कर है। ठीक है जी, तो हम आपस में देखते हैं कि किस तरीके से हमने एंटीथेटिकल आइडिया दो डिफरेंट फ्रेजेज में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, यानी कि एंटीथीसिस को अगर हमने इससे डिफ्रेंशिएट करना हो ऑक्सीमरॉन से तो हम कहेंगे कि जनाब इसमें कॉन्सेप्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बट नॉट इन द सेम फ्रेज, अपोजिट आइडियाज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे बट नॉट इन द सेम फ्रेज, ये है डिफरेंस जिसको हमने याद रखना है। थैंक यू।